इंदौर भाजपा कार्यालय पर ताई यानी लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताई के लिए खूबसूरत गाने भी गुनगुनाए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरल, सहज और सौम्य छवि से पहचानी जाने वाली लोकसभा स्पीकर सांसद सुमित्रा महाजन का 12 अप्रैल को 76वां जन्मदिन है, लिहाजा ये दिन इंदौर के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बेहद खास है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी ताई का बर्थडे एक दिन पहले ही पार्टी कार्यालय में सेलिब्रेट कर लिया। दरअसल लोकसभा स्पीकर और सांसद सुमित्रा महाजन ने लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा सहित भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने ताई के लिए केक मंगवाया और उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताई के लिए गाना भी गाया। मौके पर ताई ने महिलाओं से अपील की कि मतदान के दिन वे कहीं नहीं जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ उन्होंने नारा दिया कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं पर्यटन नहीं जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ वोट करने जाऊंगी। खुद हमारे प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है आने वाले 2024 तक हमारी योजना ऐसी है 2024 तक ऐसे भारत का निर्माण हम करेंगे कि एक भी गरीब परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसका अपना छोटा सा क्यों न हो आशिया न हो। तो एक पक्की बात, और इसलिए अगर ऐसी सरकार बनानी हो, ऐसे व्यक्ति को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना हो, तो हमारा भी इरादा पक्का होना चाहिए। तो ये इरादा पक्का करने वाली बात है कि मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मैके नहीं जाऊंगी, घूमने नहीं जाऊंगी, जो भी करना 20 के बाद तब तक कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं मोदी जी को जिताऊंगी। मैं ऐसी सरकार बनाऊंगी। कैसे बनेगी? जब घर घर का वोट कमल के फूल पर जाए तब। ये दोनों तीनों बातें एकत्रित कहीं ना कहीं इस संकल्प में आएगी। ताई का जन्म महाराष्ट्र के चिपलून में हुआ था। वे इंदौर से लगातार 8 बार लोकसभा सांसद बनी और वो पहली ऐसी महिला हैं जो लोकसभा चुनाव में कभी पराजित नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।